हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एस एस सी वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होके तैयारी कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, वो हम लोग बात कर लेते हैं। उससे पहले कि दोस्तों, कई लोग का कमेंट देख रहे आ रहा है कि टेस्ट लगा रहे, पहले नंबर ठीक आता तब कम आने लगा है। तो दोस्तों, अब हम यही कहना चाहते हैं कि टेस्ट लगाना बंद कर दें। अब टेस्ट लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, हम बता दे रहे हैं अभी आपके समय में, ठीक है। अब जितना ज़्यादा हो सके चीज़ें को रिविज़न कीजिए। हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, टेस्ट लगाइए ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस टेस्ट एक आइडिया देता है कि भाई कितना कुछ हम कर पा रहे हैं, कितना गलत हो रहा है। कन्फ्यूजन क्वेश्चन से ठीक हो जाओ, किसके लिए वो जो बहुत अच्छा तैयारी कर चुका है, ठीक है। आप गलती हो रहा है, आपका नंबर कम आ रहा है, पेपर थ्री में बोल रहा है 85-90 तक आ रहा है। नहीं भैया, कम से कम 100+ कीजिए आप लोग टेस्ट में, यदि देना है तो, वरना टेस्ट मत दीजिए अभी, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं जहाँ गलती उसे रिविज़न कीजिए, ज़्यादा अच्छा होने वाला है। टेस्ट से कुछ नहीं होने वाला, टेस्ट देकर किसी को भला नहीं हुआ है। वो बोलने वाली बात है कि टेस्ट से ये होता वो होता है, कब होता है, जब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछता तब। झारखंड में ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि जो एग्जाम ओरिएंटेड पूछता है, कोई कोई है एग्जाम ओरिएंटेड पूछता है तो क्वेश्चन ही गलती बहुत दे देता है वहाँ पे, ठीक है। तो उसमें परेशानी काफ़ी है, इससे अच्छा है कि अपना रिवीजन चुपचाप कीजिए, और रिवीजन ही काम आने वाला आपको एग्जाम के टाइम में, ठीक है। पेपर टू और पेपर थ्री दोनों लेकर चलिए, और पेपर वन भी जरूर ध्यान दीजिएगा, बता दे रहे आपको, बता रहे पेपर वन बहुत ज़रूरी है। जो आपको लग रहा है एकदम कमज़ोर है अंदर से कि नहीं हम कर पाएंगे, तो पेपर वन ध्यान दीजिए, पेपर टू और थ्री को छोड़िए अभी। पेपर टू और थ्री बहुत पढ़ लिए होंगे, पेपर वन अच्छा ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं वाला, कहीं से कोई भी उठा कर पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो जो टॉपिक दिया हो, जो जो क्वेश्चन आया हो, कई बार हम करवाएंगे ऐसा टॉपिक से क्वेश्चन आता है, और आपको ज़्यादा दिक्कत होगा तो ऐप में एक पीडीएफ हिंदी ग्रामर उसको देख लीजिएगा बोल जाकर, ठीक है। या फिर कोई बुक वगैरह से पढ़ लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे कर लीजिएगा। दूसरी बात दोस्तों कि चलिए, एक क्वेश्चन दोस्तों जो काफ़ी लोग का देख रहे, जो पढ़ रहा है झारखंड जीके का आता है, झारखंड जीके में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नंबर ट्राइब जो झारखंड का दोस्तों कितना, 32 या 33। कन्फ्यूजन में आपको यही डाल रहा है, आप पता नहीं चल रहा है, आप लोग कोई बुक में 33 है, किसी में 32 है, तो लोग हमसे भी राय मांग ले क्या जवाब देना चाहिए इसका। तो इसके थ्रू, वीडियो के थ्रू हम सोचे कि वीडियो बना ही देते दोस्तों। देखिए दोस्तों, 33 देखिए टोटल देखा जाए 33 तो हो ही गया, लेकिन इस पर ऑफिशियली शायद 100% श्योर नहीं हो पाया शायद, मेरे ख्याल से लग रहा है, क्योंकि दोस्तों फिलहाल ही में अभी जब जेपीएससी शायद किस में सीडीपीओ में आया था, या फिर इसमें आया था, शायद सीडीपीओ में आया था, जेपीएससी ये सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसमें 32 या 33 तो लोग, तो भाई 32 और 33 में कन्फ्यूजन था, ठीक है। लेकिन अब फिलहाल चूंकि लोग पढ़े थे किताबें, बहुत सारे किताब में 33 दिया हुआ है, तो लोग 33 मार्क आ गए थे, ठीक है। जो कि मारना भी चाहिए था, ऐसा लग भी रहा था 33 होना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसको जेपीएससी इसको गलत काट दिया है, मतलब नेगेटिव कर दिया इसको, ठीक है। ये 32 इसका मारा है, जेपीएससी ने माना 32। तो शायद दोस्तों जेएसएससी अभी हाल ही का एग्जाम है, 2-3 महीने पहले की बात है, तो एक क्वेश्चन आदि आ जाता है दोस्तों जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में, तो आपको 32 ही मारना है, ठीक है, 32 ही मारना है। क्योंकि 33 मारिएगा तो फिर शायद गलती काट देगा, तो फिर कुछ करने से, क्योंकि जेपीएससी जैसे आयोग, देखिए जेपीएससी क्या है, जेएसएससी से बड़ा आयोग है, ये बात पता है। जब जेपीएससी जब 32 मान रहा है, तो फिर जेएसएससी को भी 32 मानना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इस हिसाब से एक कन्फ्यूजन को दूर रखें, 33 है मानते हैं बहुत सारे बुक में, बहुत सारे जो बुक में दिया 33 वो गलती नहीं दिया हुआ है, लिखा हुआ सही है, अब पता नहीं 32 क्यों मान रहा है, अब कुछ तो होगा अड़चन है चाहे जो भी है, इसलिए अभी तक उसको 33 वाला को भी मतलब कंसीडर नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम में आएगा तो 32 से मारिएगा, बाकी आप बाकी चैलेंजिंग टाइम में कुछ होगा तो भाई, अभी जेपीएससी में खुद 32 माना है तो फिर 33 कैसे हो सकता है, जब जेपीएससी मान सकता है तो जेएसएससी को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम में 32 से टिक कीजिएगा, आपको कमेंट मत कीजिएगा कि यहाँ 33 दिया हुआ, यहाँ 34-32 ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है। जो हमको लगा हम बता दिए आपको, आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जो जैसे अभी जेपीएससी में हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बात किए हैं कि इसमें जेपीएससी ने 32 को सही माना हुआ है, तो जेएसएससी भी शायद 32 ही मानेगा, ठीक है। बाकी आपके कोई राय हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा क्या हो सकता है, या फिर आयोग में बात किया, कोई हो सकता है कोई बात किया हो आयोग में तो शायद बोला हो कि 2025 के बाद माने तो 33 होगा, या फिर 2024 के एंड तक होगा, तो ये बात जरूर बताइएगा, या फिर 33 से सही है या फिर 32 से सही है। जो आयोग में जाकर बात किया वैसे लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में आ जाता है तो 32 मारना सही होगा या फिर 33 मारना सही होगा। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो 32 मारिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जेपीएससी हाल ही में इसको 32 कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा ताकि लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। होता है दोस्तों झारखंड जीके में क्वेश्चन में तो कुछ क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है जो कन्फ्यूज कर देता है लोगों को, ठीक है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर हो गया दोस्तों, चलिए उम्मीद करते दोस्तों आप लोग जितने ज़्यादा आप करंट अफेयर फोकस कीजिएगा उतना अच्छा फायदा होने वाला है, ठीक है। करंट अफेयर फोकस कर लीजिए, सेंट्रल का भी झारखंड का भी दोनों को लेकर चलिए, अभी सेंट्रल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैथ बताए थी एडवांस वाला, अच्छा से पढ़िए मैथ जितना हो जाएगा, फार्मूला वगैरह आपको पीडीएफ तो फार्मूला का पीडीएफ तो दे ही दिए पूरा, उस पीडीएफ जो दिए ना टेलीग्राम में डाला हो जाकर देख लीजिए, उस पीडीएफ को दोस्तों पढ़ लेना शुरू से अंत पेज तक, तो यकीनन मानिए आपको कई सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ से मिलने वाला, फार्मूला बेस फार्मूला ही क्वेश्चन आता है यार मैथ में, वही फार्मूला देखिए वहाँ देखने को मिलेगा, सब चीज़ वहाँ पर लिख दिए।
आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जेएसएससी वाला टेलीग्राम है, वहाँ पे जाइए, लगभग कितना 15-16 पेज का पीडीएफ है, वो 2 घंटे में कंप्लीट कर दीजिएगा, पढ़े हैं तो बस मेन मेन फॉर्मूला उसको लिख लिख के देख लेना एक बार, कैसे सही है कि नहीं गलत है। एडवांस मैथ का पूरा फॉर्मूला है जो कि सुनने में आ रहा है 70-80% क्वेश्चन आपको एडवांस मैथ से आने वाला है, मिनिमम 70% आने वाला है एडवांस मैथ से, सोच लीजिए। आप अर्थमेटिक से है 30%, तो अर्थमेटिक छोड़ दिए तो बाद में दिमाग लॉजिक लगा के बना लीजिएगा, लेकिन एडवांस में कुछ क्वेश्चन जो फार्मूला नहीं पता रहेगा तो नहीं बना पाइएगा। सिंपल फार्मूला लगा, डाटा दिया हुआ, सिंपल फार्मूला, वॉल्यूम आपकी बोल देगा स्फीयर, कौन का बोल देगा 1/3 πr² बताइए कि आर दे दिया और वॉल्यूम पूछ दिया है, तो फार्मूला पता तभी बना पाइएगा, नहीं बना पाइएगा। सब वहाँ पर PDF मिल जाएगा, ठीक है, आपको जाइए टेलीग्राम में बता रहे हैं, टेलीग्राम में डाल दिए ताकि आपको भला हो जाए। हालांकि वीडियो बहुत पहले में डाले थे PDF, लेकिन इस बार रिवीजन के पर्पज़ से फिर से डाल दिए, इसलिए नहीं जानते तक देख लीजिएगा। और जेएसएससी वाला ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत सारा PDF वहाँ पे अवेलेबल है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आशा करते ये ट्रैप्स वाला क्वेश्चन आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, और कोई ऐसे बंदे जो आयोग में जाकर बात किया हो जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या इसमें सही राय होना चाहिए, ठीक है। अपना ओपिनियन बता दिए, जेएसएससी ने माना था, जेपीएससी ने माना था 32, तो आपको 32 ही मारना है, बाकी कोई आयोग गया है बात करने तो बताइएगा क्या बात हुआ वहाँ पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।